दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हटबेंट से ही चल रहा था। ऐसे हटबेंट्स जिनको उस समय घोड़ों के अस्तबल और बैरकों से संबंधित जरूरतों के अनुसार बनाया गया था। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन हटमेंट्स में आने वाली परेशानियों को भी आप लोग भलीभांति जानते हैं। आज जब 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटबेंट से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। अब देखिए, अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में बने ये आधुनिक ऑफिस राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रूप से चलाने में बहुत मदद करेंगे। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। और मैं आज देशवासियों के सामने मेरे मन में जो मंथन चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दफ्तरों के हाल ठीक नहीं है, संसद भवन के हाल ठीक नहीं है।
और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ।